फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। ये इस चैनल में मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। इन सच अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड-19 वी हैव नो सोर्सेज, सम ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बट सम ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग अ बुक। सो इसमें मैंने आपके लिए एक आपका कुछ पेजेस आपकी बुक के और उनके फ्रंट उनके सामने आंसर लिखे, बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव डन मिस्टेक्स इन योर नोटबुक। तो प्लीज चेक योर स्पेलिंग। ओके, नाउ आई एम शोइंग द चैप्टर नेम। आवर चैप्टर नेम इज हियर द थ्री रेसेस। इन द थ्री रेसेस एज यू कैन ऑन द स्क्रीन, जैसे कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपका रीड एंड आंसर वाला है, जिसमें कि व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव अस, क्या मैसेज हमको देता है ये जो स्टोरी है। तो द स्टोरी कन्वे द मैसेज दैट वन शुड नॉट बी सेल्फिश। ये मैसेज बता रही है हमें कि किसी को भी जो है सेल्फिश नहीं होना चाहिए, किसी एक को भी। एंड मस्ट अंडरस्टैंड अदर्स लिमिटेशंस, और दूसरों की लिमिटेशन को हमें समझना चाहिए। और ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप लाइज इन नो विनिंग। ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप वही होता है जो ये देखे कि उसका खाली, वो ये ना देखे कि उसका उसको विन करना है, बट टेकिंग केयर ऑफ योर को पार्टिसिपेंट, बल्कि उसको ये भी देखना चाहिए कि उसको जो है सेल्फिश की बजाय उसको को पार्टिसिपेंट भी होना चाहिए, दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, दूसरों की देख रेख भी करनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट्स आवर सेकेंड क्वेश्चन हियर। हैव यू एवर वॉच्ड अ लाइव रेस, क्या आपने कभी लाइव रेस देखी है। हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ द चेयरिंग क्राउड, कैसे फील करते हो उस चेयरिंग क्राउड को कैसे। तो आंसर है यहाँ पर आपका, यस आई हैव वॉच्ड अ लाइव रेस। जैसे कि आप देखते हो कई बार 2020 और आप काफ़ी उसको चेयर करते हो, काफ़ी इंजॉय करते हो, है ना। और उसको आपने स्कूल में भी देखी होगी, ऑन द स्पोर्ट्स डे इन माई स्कूल इट इज वेरी एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ चेयरिंग क्राउड। और वो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है पार्ट जब हम उसको चेयर करते हैं, जब हम उसको इंजॉय करते हैं, बड़े खुश होते हैं उस क्राउड को, है ना। जैसे क्राउड जब आप सुनते हो तो कई बार आप भी उसमें जो है क्या हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना। यस, हियर इज एमसीक्यू। तो टिक द करेक्ट आंसर इन ईच। द यंग बॉय वॉज हंग्री फॉर, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि द यंग बॉय वॉज हंग्री फॉर, यहाँ पे वो फूड के लिए तो हंग्री नहीं था, चेयर के लिए भी हंग्री नहीं था, और द लार्ज क्राउड के लिए भी हंग्री नहीं था। वाई ही वॉज हंग्री, He was hungry for the success, है ना? Okay, success के लिए, सफलता के लिए वो जो है भूखा था, वो चाहता था कि उस वो है विनर हो उस कंपटीशन में। The boy was preparing himself for, जो बॉय ने है अपने आप को किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रखा था यहाँ पे, हॉकी टूर्नामेंट के लिए, रनिंग कंपटीशन के लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। तो जैसे कि आपको रीड किया आपने चैप्टर, तो उसमें रेस कंपटीशन था, है ना, रनिंग कंपटीशन विल बी आंसर देयर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज हियर। एज यू कैन सी द थर्ड ऑप्शन इज गिवन इन योर बुक। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें, हु वर द पार्टिसिपेंट इन द थर्ड रेस। थर्ड रेस में कौन पार्टिसिपेंट था, द यंग बॉय एंड द टू अदर यंग बॉयज। नेक्स्ट ऑप्शन इज द यंग बॉय एंड द थ्री फ्रेल लेडी। फ्रेल लेडी मैंने आपको बताया था, जैसे फ्रेल होता है वीक पर्सन, है ना, अ फ्रेल जेंटलमैन, अ ब्लाइंड लेडी एंड द यंग बॉय। जो फ्रेल जेंटलमैन, वीक और ओल्ड जेंटलमैन था, और ब्लाइंड लेडी थी या यंग मैन था, तो कौन था थर्ड रेस में, अ फ्रेल जेंटलमैन, अ ब्लाइंड लेडी एंड द यंग बॉय। हियर विल बी द आंसर, यहाँ पे आपका आंसर ये होगा, इज दैट क्लियर, सी आंसर। Yes. Now fourth, for which race did the young boy win the most cheers? कौन सी रेस में यंग बॉय ने सबसे ज्यादा चीयर, सबसे ज्यादा इंजॉय किया। तो चलिए देखते हैं, द फर्स्ट रेस, सेकेंड रेस एंड द थर्ड रेस, किसमें सबसे ज्यादा उसने चीयर्स किया था। तो उसने सबसे ज्यादा चीयर्स किया था थर्ड रेस में। जैसे कि आपको रेस पता है, फर्स्ट रेस में भी वो विनर था, सेकेंड रेस में भी विनर था, लेकिन जब उसने ब्लाइंड लेडी और जेंटलमैन के साथ जब उसने ही व्हेन जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और उन्होंने जो है दे ऑल रीच टुगेदर एट द फिनिश।